पंचकुला में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को देखने और प्लेयर्स का हौसला बढ़ाने सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे। उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता के बारे में अधिक जानकारी दी और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी। सीएम ने दी हुई जानकारी के अनुसार इस वर्ष पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5 पारंपरिक गेम्स जोड़े गए हैं जो किसी न किसी स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा करने से स्वाभाविक तौर पर उस क्षेत्र के खिलाड़ियों को उत्साह और हौसला मिलता है। इसी प्रकार उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र का एक खेल मल्लखांब हमने देखा, जहां महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हमने यहां खिलाड़ियों का उत्साह देखा है। यह चौथा कार्यक्रम है जो यहां हो रहा है। अच्छे वातावरण में खेल हो रहा है। गर्मी की वजह से ओपन एयर गेम्स नहीं हो रहे हैं, तो वही हरियाणा लगातार नंबर एक पर बना हुआ है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र लगातार हमसे मुकाबले में बना हुआ है। मोदी जी के पीएम बनने पर खेलों को लेकर अच्छा माहौल बना है, जिसके वजह से भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में बेहतरी हुई है। हरियाणा की तर्ज पर खेल पॉलिसी बनाई जाए तो टॉप पर देश भर के खिलाड़ी रहेंगे। पहली बार 5 पारंपरिक खेल जो हैं वो इसमें जोड़े गए हैं और उसमें चूंकि हर स्टेट के साथ कोई खेल जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक है कि उन प्रदेशों के खिलाड़ियों को बहुत उत्साह मिलता है। जैसे मैं मलखम के अभी खेल को मैं देख रहा था, हम लोग अभी देखा हमने, तो महाराष्ट्र के जो खिलाड़ी हैं उसमें बहुत टॉप पर है, क्योंकि वहाँ का एक परंपरागत ये खेल मलखम, हालांकि हमारे हरियाणा में भी शुरू तो हमने किया है, लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र ने अपना परफॉर्म किया है बहुत ही अच्छा किया है। इसी प्रकार गटका है, वो भी हमारे जो खिलाड़ी हैं उसको अच्छा खेल रहे हैं। सभी परंपरागत खेलों को जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये उत्साहवर्धन होगा और स्थानीय लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके लिए यही कहूँगा कि दे शुड गिव देयर बेस्ट।